फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग सीख रहे होते हैं किसी क्लासरूम में, चाहे वो कोचिंग का क्लासरूम हो या किसी स्कूल का क्लासरूम हो, तो हमें किस तरह से सीखना चाहिए या क्या मेथडोलॉजी अप्लाई करना चाहिए। ठीक, तो जब हम सीख रहे होते हैं तो सीखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लेक्चर नोट्स का। जब भी क्लासरूम में जाएं तो लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपके टीचर जो हैं वो नोट्स नहीं बनवाते हैं तो उनको बोलें कि वो बोर्ड पर जो है वो सारी थ्योरी जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, इम्पोर्टेंट लाइंस वो लिखें और आप उनको ज़रूर नोट्स करें। ठीक, जब आप घर पे जाएं तो वो जो नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ें, है ना, और देखें कि आपने क्या क्या आज सीखा है। अगर कोई डाउट आता है जो भी पढ़ाया गया है उसको आप जो घर पे एक बार देखें, अगर कोई आपको डाउट आता है तो अपने टीचर से जा करके पूछें। सीखते टाइम में हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सब टॉपिक हो या टॉपिक हो जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत आती है उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, उस पर ज़्यादा समय देना चाहिए, है ना। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन हम लोग क्या है उसको बार बार उससे रिलेटेड सवाल सोल्व करते हैं, उसको बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो ना उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो है हमें एक बार में समझ में आ गई है ना, एक बार में ज़्यादा 2 बार में समझ में आ जाती है, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक सब टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, उससे ज़्यादा सवाल भी आते हैं और वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो क्या करना चाहिए, हमें बार बार उससे रिलेटेड सवाल सोल्व करना चाहिए, उससे बार बार रिलेटेड जो है थ्योरी जो है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप किसी गांव को घूमने जाते हैं और उस गांव के हर गली को, हर रास्ते को आप जानना चाहते हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि जिन गलियों को आप, जिन रास्तों को बार बार भूल जाते हैं उन रास्तों से बार बार गुजरना चाहिए ताकि वो भूलना जो है वो बंद हो, है ना। जिन रास्तों का आप जानते हैं, आसानी से समझ गए हैं, उनसे बार बार गुजरने से कोई फायदा नहीं होता, आपको उन गलियों से, उन रास्तों से बार बार गुजरना होता है जिनको आप बार बार भूल जाते हैं, जिनको समझने में आपको दिक्कत होती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाई में भी लगाना होता है ना। पढ़ाई में भी बिल्कुल वो सब टॉपिक, वो क्वेश्चंस, वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो है आप बार बार पढ़ें, आप बार बार उनको सोल्व करें जिनको समझने में आपको दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लेक्चर नोट्स पढ़ते हैं, पढ़ करके आप देखते हैं कि आज हमने ये क्लासरूम में पढ़ा है और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, उसमें दिक्कत आया, तो जा करके आपको टीचर से वो चीज़ जो है इमीडिएटली अगले दिन पूछना चाहिए। ठीक है, पूछने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछने में शर्माते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगा, है ना, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, है ना। कहानी ये है कि किसी क्लासरूम में जो है टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज़ जो है उसके बारे में बताया, है ना, और उन्होंने पूछा कि किसी को इसमें कोई डाउट है क्या। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, है ना। तो सारे बच्चे जो है वो हाथ नहीं खड़ा किए, कोई पूछ ही नहीं रहा था। पीछे एक छोटा सा बच्चा था, उसने हाथ उठाया कि मुझे डाउट है, तो उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसने उसका हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, है ना, नीचे कर दिया। वो कहने लगे कितनी आसान चीज़ें पूछ रहे हो, बहुत छोटी सी चीज़ है ना, ये सबको आती है, तुम अगर ये छोटी सी चीज़ पूछोगे तो लोग क्या समझेंगे तुम, कि तुम मूर्ख हो, है ना, तो तुमको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो बार बार हाथ उठा देता, वो बार बार उसका जो दोस्त था वो हाथ उसका नीचे कर देता था। तो उसने अपने दोस्त से बोला कि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये है, देखो अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं मूर्ख रह जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे, जिस चीज़ का मुझे जानकारी नहीं है तो मैं पहले से मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं इसके बारे में, जब मैं पूछ लूँगा मुझे उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो मैं मूर्ख नहीं रहूँगा, है ना। भले लोग मुझे मूर्ख समझते रहें अलग बात है, लेकिन मैं एक्चुअली में ज्ञानी हो जाऊँगा क्योंकि वो चीज़ मैं सीख लूँगा जो मुझे नहीं आती है।
तो उसने हाथ उठाया और वो सवाल उसने पूछा कि भाई यहाँ पर मुझे डाउट है, ठीक है। फिर टीचर ने बताया, उसने सीखा, है ना। जानते हैं वो कौन बच्चा था? वो बच्चा जो था वो एक्चुअली में न्यूटन था, बाद में आप जानते हैं कितना बड़ा साइंटिस्ट बना जा करके, है ना। तो इसलिए कोई चीज़ जो है वो पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। जब हम सीख रहे होते हैं तो हम सीखने के लिए गए हैं, हमें थोड़े पहले से पता है सारी चीज़ें, चीज़ें पता नहीं है तो ऑब्वियसली सीखने गए हैं तो पूछना चाहिए, ठीक। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है कि आसान चीज़ जो है ये जो है क्यों पूछें, या छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं उनसे तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें नहीं आती है ना। तो ऐसी भी बात नहीं है कि अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, तो मिस्टेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े लोगों से मिस्टेक्स होते हैं तो उसे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। ये कहानी रिलेटेड है आइंस्टाइन से। आप जानते हैं कि आइंस्टाइन जो थे वो कितने बड़े विद्वान थे, उनका आईक्यू लेवल जो है बहुत ही अच्छा था, है ना, बहुत हाई लेवल का आईक्यू था उनके पास। लेकिन वो भी देखिए छोटे से कैसे मिस्टेक करते थे। वो जिस स्टडी रूम में पढ़ते थे, है ना, वहाँ पर एक दरवाज़ा था, तो दरवाज़ा में कभी वो कुंडी नहीं लगाते थे, ऐसे ही दरवाज़ा जो है चिपका करके छोड़ दिया करते थे। तो हमेशा देखते थे कि एक बिल्ली और उस बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा था, है ना, वो उस दरवाजे को खोल करके धक्का दे करके अंदर आ जाते थे, तो बार बार इनको डिस्टर्ब होता था, है ना। जब बार बार बिल्ली और उसका बच्चा दरवाजा को खोल करके अंदर आते थे तो इनको डिस्टर्ब होता था, तो इन्होंने क्या किया कि उस दरवाजे में जो है दो होल बनाया, एक बड़ा होल बनाया कि उसे बिल्ली आ जाएगी, एक छोटा होल बनाया जिसे कि सोचे कि उसे बिल्ली का बच्चा आ जाएगा, ठीक। उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल, और अपने स्टडी रूम में पढ़ने लगे। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस होल में से बिल्ली आती थी उसी होल में से उसका छोटा सा बच्चा भी आ जाता था, है ना। तो इनको जब उन्होंने देखा तो उनको अपने पे हंसी आई, ये मैंने क्या करा, जिस बड़े होल से बिल्ली आ सकती है उसी होल से उसका बच्चा भी तो आ सकता है, दो होल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक्स जो है वो सबसे होता है। हम लोग जो है एक इंसान है, मानव से गलतियां होती रहती है, ह्यूमन एरर हमेशा ही होते रहते हैं, हमेशा मिस्टेक होते रहते हैं। लेकिन जो जितना प्रैक्टिस करता है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, वही सीखता है ना। तो सीखने का तरीका ही ये है कि किसी बात से आपको शर्माना नहीं चाहिए, जो भी डाउट आता है उसको आपको पूछना चाहिए। जब हम रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करने का भी अपना तरीका है, ठीक। जब पहली बार आप रिवाइज करते हैं, है ना, जैसे कि क्या हुआ कि एक बार तो हमने क्लासरूम में पढ़ा है, उसके बाद जब रिवीजन करने जाते हैं, है ना, तो पूरा जो लेक्चर नोट्स मैंने बनाने के लिए बोला था, जो आप लेक्चर नोट्स बनाते हैं उस लेक्चर नोट्स को आप बार बार पढ़िए। पहले लेक्चर नोट्स को आप बार बार पढ़ेंगे, वो थ्योरी जो है आपके दिमाग में घुस जाएगी, तभी जो है आप उससे रिलेटेड सवाल को सोल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू शुरू स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, पहले जो लेक्चर नोट्स है उसको बार बार पढ़ना चाहिए, है ना। इतनी बार पढ़ना चाहिए कि उसका जो फोटो है, है ना, जब भी हम कुछ याद करते हैं तो उस पेज का फोटो हमारे दिमाग में छप जाता है, वो याद रह जाता है। तो उसको इतनी बार पढ़ना चाहिए कि पूरा पेज जो है, उसका जो डायग्राम है, जो फॉर्मूले हैं, सब दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। पहले ऐसे करनी चाहिए कोशिश। लेकिन यही रिवीजन जब आप बाद में करते हैं, 6 महीने बाद करते हैं, साल भर बाद करते हैं, तब आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए ना। जब पहली बार आप रिवीजन कर रहे होते थे, या पहली बार जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते थे, तो जिस पोर्शन में दिक्कत आती थी, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती थी, उन क्वेश्चंस को और उस कॉन्सेप्ट को ही जो है टच करना चाहिए, क्योंकि हर बार रिवीजन करने के लिए उतना समय नहीं होता, है ना, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो आप पढ़ते जाते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा होता जाता है, है ना। सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है तो बार बार आप उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन का तरीका क्या है कि जिस जिस पोर्शन में
और जिस जिस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती थी, कोई एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं है ना, तो उसमें जिस जिस प्रॉब्लम में दिक्कत आती थी स्पेशली उनको जरूर सोल्व करके देखिए, और कभी कभी बीच बीच में जो आसान सवाल भी हैं उनको भी, हर वैरायटी के जो सवाल हैं उनको एक एक दो दो बार कर लेना चाहिए। ठीक, आखिरी बार जब आप रिवाइज करें तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे ज़्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं, उनको जो है एक बार रिवाइज करना चाहिए, उनको एक बार पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये तरीका है रिवीजन करने का और सीखने का। ठीक, तो इसमें पूरा जो है सीखने का प्रोसेस है या रिवीजन का प्रोसेस है, उसमें आपके जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं अपने क्लासरूम में जो है वो लेक्चर नोट्स बनाता हूँ, लेक्चर नोट्स बनवाता हूँ इस तरह से बच्चों का कि कभी भी अगर कोई भी पॉइंट खोजना हो, अगर कोई बच्चा सवाल सोल्व कर रहा है उसमें कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं कहता हूँ नोट्स देख लो, सारी चीज़ें उस नोट्स में मिल जानी चाहिए, है ना। हर चीज़ उस नोट्स में मिलेगा। जैसे मेंस का आप एग्ज़ाम देंगे तो मेंस के 80-90% जो क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको थ्योरी में, हमारे लेक्चर नोट्स में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेक्चर नोट्स को बार बार जो है वो रिवाइज करते रहें। ठीक, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको ध्यान रखना है कि IIT JEE का प्रिपरेशन में ज़्यादा जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, रेगुलर क्लास अटेंड करें, जो होमवर्क दिया जाता है उसको ट्राई करना है, ज़रूरी नहीं कि सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे, उसको ट्राई करें, और जो भी डाउट आता है उसको अपने टीचर से जल्दी जितना हो सकता है उसको पूछ करें क्लियर करें।